समर कैंप के सेकंड डे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जो बच्चों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। सबसे पहले सुबह सुबह साठे सर सभी स्टूडेंट्स को एक लेक लेकर जाते हैं। पहाड़ों के बीच इस झील का पानी बहुत सुंदर लग रहा था और झील के बाहर बहुत सारे कायक रखे हुए थे। बच्चों, सब कोई सेफ्टी जैकेट्स पहन लो और फिर कायक चलाने की इस टेक्निक को ध्यान से देखो। साठे सर ने खुद डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया कि कायक की पैडलिंग कैसे की जाती है, जिससे कायक आगे पीछे दाएं या बाएं जाता है। फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कायक लेकर लेक के अंदर चले गए। गट्टू और चिंकी को शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तो दोनों ने कायक चलाने का पूरा लुत्फ उठाया। लेक से जब सभी स्टूडेंट्स वापस रिजॉर्ट आए तो मिश्रा सर ने एक नई अनाउंसमेंट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कायाकिंग में बहुत मजा आया होगा। हाँ सर। वेरी गुड। अभी हमने आपके लिए 3 अलग अलग वर्कशॉप अरेंज किया है, एक्टिंग, क्ले मॉडलिंग और कुकिंग। जिसको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है। हर वर्कशॉप में आपके ट्रेनिंग के लिए हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया है। गट्टू को शुरू से एक्टिंग का शौक था और उसने एक्टिंग वर्कशॉप सेलेक्ट की। वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर मिस्टर पुनीत साहनी थे, जिन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेज किए थे। उनसे गट्टू ने एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की टेक्निक सीखी। वहीं चिंकी को क्ले मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। उसने वर्कशॉप में सीखी हुई टिप से बहुत ही प्यारे प्यारे क्ले टॉयज बनाए। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए और आज समर कैंप का आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे ही सारे बच्चे नीचे डाइनिंग हॉल में आए तो वहाँ गट्टू और चिंकी के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सामने मम्मी और पापा खड़े थे। अरे पापा मम्मी, आप लोग यहाँ? आज संडे की छुट्टी थी तो हमने सोचा हम भी लोनावला आ जाते हैं। जैसे ही तुम लोगों का समर कैंप खत्म होगा, पूरी फैमिली अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेते हुए वापस घर चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।